इस मूवी में हम जूनियर जॉनी सिंस को देखेंगे जो 12 साल का होते हुए भी अपने ही घर की सभी औरतों के साथ घपाघप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं रॉजर समर वैकेशन के लिए अपने घर पर आया हुआ था और उसकी मॉम ने अपनी एक मेड मिस लपीते को उसे लेने के लिए भेजा था। वापस आते टाइम रॉजर की नज़र लपीते के उछलते हुए पपीतों पर पड़ती है जो बाहर आने के लिए बेताब हो रहे थे। ये नज़ारा देख कर रॉजर का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। लपीते रॉजर को देख कर समझ जाती है वो उसके पपीतों को कर मजा ले रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। घर पर आते ही उसकी मॉम की नजर रॉजर की पैंट पर पड़ती है और वो उससे कहती है, तुम्हारी पैंट पर रबड़ी कैसे लगी। एक्चुअल में लपीते के उछलते हुए पपीते को देखकर रॉजर के छोटे चेतन से रबड़ी बाहर आ गई थी। फिर उसकी मौसी अपने हाथों से पैंट पर लगी हुई रबड़ी साफ कर देती है। फिर रॉजर अपनी छोटी बहन बर्ता से मिलता है। इसके बाद गार्डन में रॉजर की मुलाकात लपीते से होती है। बातें करते हुए लपीते को सूसू आ जाती है और वो रॉजर के सामने नहीं खड़े होकर पौधों को पानी देने लगती है। रॉजर ये सब देखकर सोचने लगता है उसकी आंखें ये सब क्या देख रही हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसका पैर फिसलता है और वो झाड़ियों में गिरता है। तभी वहाँ पर उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तब उसके ही घर की एक मेड उर्सेला किसी आदमी के साथ टपाटप कर रही थी। तभी उर्सेला की नजर रॉजर पर पड़ती है और वो उसे देखकर हंसने लगती है। रॉजर ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से घर भाग जाता है। इसके बाद रॉजर अपने कमरे में सोने ही वाला होता है तभी उसे कुछ बर्तनों की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने रूम से बाहर देखता है तब उसकी एक मेड हेलन दरवाजे से झुकी हुई है और कोई उसकी ठुकाई कर रहा है। अपनी ठुकाई के बाद हेलन अपने कपड़े ठीक करके वहां से चली जाती है। रॉजर ये सब देखकर अपने आप को ठंडा करता है और सोने के लिए आ जाता है। वो जैसे ही बेड पर बैठता है तभी उसकी छोटी बहन बर्ता उसके बिस्तर में ही छुपी हुई थी। इसके बाद बर्ता रॉजर को बताती है, हमारी मौसी अभी तक वर्जिन है। रॉजर उससे पूछता है, ये सब तुम्हें कैसे पता। तभी बर्ता उसे बताती है, मुझे हेलन ने बताया था। रॉजर कहता है, मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। बर्ता उसे कहती है, मैंने सुना है उन्हें मर्दों से डर लगता है। अगले दिन बर्ता उसे नदी के किनारे लेकर जाती है। यहाँ उनके घर की सारी नौकरानियाँ नहाते हुए घपाघप की बातें करती हैं और वो दोनों उनकी बातें सुनने लगते हैं। नदी के दूसरी तरफ तीन लोग जा रहे होते हैं। फिर वो सुसु करने लगते हैं और अपना औजार दूसरी तरफ बैठी नौकरानियों को दिखाने लगते हैं। उर्सेला भी उनसे कम नहीं होती और वो भी अपनी स्कर्ट उठाकर उन्हें अपना पिछवाड़ा दिखाने लगती है। ये सब बर्ता और रॉजर पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रॉजर की बड़ी बहन अलीसा अपने पापा के साथ घर पर आती है। अलीसा एक एक करके घर के सभी लोगों के साथ गले मिलती है, लेकिन जब रॉजर की बारी आती है तब वो उसे सिर्फ हेलो बोलकर घर के अंदर चली जाती है। तभी रॉजर की छोटी बहन बर्ता उसे अपने साथ चर्च की छत पर लेकर जाती है। यहाँ पर उसकी मौसी फादर के सामने अपने पाप को कन्फेस करने के लिए आई हुई थी। फिर दोनों छुपकर मौसी की बातें सुनने लगते हैं। मौसी फादर से कहती है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो कहती है, जब से मेरा नेफ्यू रॉजर घर पर आया है तब से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और काफी टाइम मैंने सपने में उसके साथ जमकर ठुकाई की है। ये सब सुनने के बाद रॉजर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। रॉजर सोचता है, मैं अपनी मौसी को पेल सकता हूँ, और वो एक्साइटेड होने के चक्कर में नीचे आकर गिर जाता है। इसके बाद फादर और उसकी मौसी रॉजर को अपने साथ घर पर लेकर आते हैं और उसकी मॉम को ये सारी बात बताते हैं। उसकी मॉम कहती है, आखिर इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तब फादर कहते हैं, इसके पिछवाड़े को मार मार कर लाल कर देते हैं। रॉजर की मॉम मान जाती है और मौसी से मारने के लिए कहती है। उसकी मौसी पहले तो मना करती है, लेकिन रॉजर की मॉम के फोर्स करने पर वो मान जाती है और मार मार के रॉजर के पिछवाड़े को लाल कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं रात को रॉजर उल्टा सो रहा होता है क्योंकि उसका पिछवाड़ा सूजा हुआ था। तभी उसे फिर से अपने कमरे के बाहर बर्तनों की आवाज सुनाई देती है। इस बार भी हेलन की लचाकर कोई जमकर ठुकाई कर रहा था। ये ठुकाई मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे। यहाँ पर भी हमें पता नहीं चलता आखिर ये ठुकाई करने वाला बंदा कौन है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर उर्सेला आती है और फिर रॉजर से कहती है, तुम्हारा पिछवाड़ा दर्द कर रहा होगा, मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ। रॉजर उसे मना करता है और उससे पूछता है, मैं रोज देखता हूँ हेलन की कोई जमकर ठुकाई कर रहा है, आखिर ये बंदा कौन है। उर्सेला कहती है, ये हमारा सीक्रेट है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रॉजर सोचता है, यहाँ हर कोई टपाटप कर रहा है, आखिर मेरा दिन कब आएगा। इसके बाद रॉजर को याद आता है हेलन की ठुकाई मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे और वो उनसे मिलने के लिए रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर रॉजर देखता है मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से कुछ देख रहे थे। फ्रैंक रॉजर को देखकर वहाँ से भाग जाता है।
इसके बाद रोजर दूरबीन से देखने की कोशिश करता है और वो देखता है बाहर दो लोग घपाघप कर रहे हैं। फिर रोजर को वहां पर एक किताब मिलती है जिसमें घपाघप की बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। रोजर उसे अपने साथ लेकर नीचे आ रहा होता है, तभी उसे अपने पेरेंट्स के रूम से टपाटप की आवाज सुनाई देती है। फिर रोजर की होल से देखता है उसके डैड उसकी मॉम का गेम बजा रहे हैं, तभी वहां पर उसकी बहन अलीशा का मंगेतर रोनाल्ड आ जाता है और वो उसे देखते हुए पकड़ लेता है। रोजर रोनाल्ड से कहता है प्लीज मेरे मॉम डैड को कुछ मत बताना, तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। रोनाल्ड इस मौके का फायदा उठाता है और वो उसे अपनी कार साफ करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं रोजर एक अस्पताल में बैठकर वही किताब पढ़ रहा होता है, तभी वो अपनी पैंट में हाथ डालकर 61-62 करने लगता है, तभी वहां पर उसका नौकर आ जाता है। रोजर उसे देखकर एक कोने में छुप जाता है। कुछ टाइम के बाद हेलन मुर्गियों को दाना डालने के लिए आती है, फिर वो नौकर हेलन को वहीं फंसाकर पीछे से उसकी ठुकाई करने लगता है। हेलन वहां पर रोजर को देखकर उससे हेल्प मांगती है। जब वो उसकी हेल्प करने के लिए आता है तब हेलन कहती है कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। अब हेलन को भी अपना गेम बजवाने में मजा आ रहा था। जब रोजर बाहर देखने के लिए जाता है तब तक वो नौकर हेलन का गेम बजा चुका होता है। इसके बाद वो घर के अंदर आता है और वहां पर उसकी बहन अलीशा और रोनाल्ड बैठे हुए होते हैं, तभी रोनाल्ड रोजर से अपने जूते साफ करने के लिए कहता है। रोजर उसे मना कर देता है और रोनाल्ड गुस्से में उस रात की सारी बातें उसकी मॉम को बता देता है। रोजर की मॉम गुस्से में आकर उसे भला बुरा सुनाने लगती है और अपनी दोनों बेटियों को अच्छा बताती है। इसके बाद रोजर घपाघप वाली कहानियों की किताब से अपनी बहन की किताब को एक्सचेंज कर देता है, फिर बाहर से छुपकर अपनी बहन को उस किताब को पढ़ते हुए देखता है। रोजर देखता है एलिसा को भी उस किताब को पढ़कर मजा आ रहा था। ये सब देखकर उसका छोटा चेतन घपाघप करने के लिए तड़पने लगता है और वो उसे शांत करने के लिए किचन में आ जाता है जहाँ पर उर्सेला काम कर रही होती है और वो उस पर भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ता है। लेकिन उर्सेला को लगता है उसे किसी नौकर ने पकड़ा है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए उसके सर पर प्लेट मार देती है। जब वो रोजर को देखती है तब उसे घपाघप करने के लिए हाँ बोल देती है। दोनों अपना काम स्टार्ट करने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर मोटी मेड आ जाती है और रोजर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। रोजर बहुत ही परेशान हो चुका था और वो अपने छोटे चेतन को किसी भी कीमत पर शांत करना चाहता था। इसके बाद उसे लपीते की याद आती है और वो भागता हुआ उसके पास जाता है और वहां पर जाकर लपीते की सुरंग में छोटे चेतन को डालकर उसकी खुदाई करने लगता है। पहले लपीते उसे मना करती है लेकिन बाद में मजे लेने लगती है। कुछ टाइम के बाद वहां पर एक न्यूज़पेपर वाला आकर बताता है जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और रोजर अपनी हवस को शांत नहीं कर पाता। फिर अगले दिन हम देखते हैं उसके घर से सभी मर्दों को जंग पर जाना था, इसलिए वो लोग पार्टी करने लगते हैं। ये सब देखकर रोजर खुश होकर नाचने लगता है क्योंकि सभी मर्दों के जंग पर जाने के बाद औरतें अकेली होंगी और वो जमकर खुदाई करेगा। फ्रांस में एक रिवाज होता है जब भी कोई जंग पर जाता है तब वो एक रात पहले अपनी वाइफ के साथ जंगल में जाकर टपाटप करता है। इसके अगले दिन सभी लोग जंग पर चले जाते हैं और फिर रोजर सबसे पहले उर्सेला के पास जाकर उसके साथ घपाघप करता है। अगले सीन में हम रोजर की मेट केट को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठी होती है, लेकिन तभी रोजर तैरता हुआ आकर उसे पेलने लगता है। ये सब करने के बाद रोजर के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था और वो अब घर की सभी औरतों को पेलने का प्लान बनाता है। रात में रोजर अपनी मौसी के कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मौसी आती है और उसे देखकर वो चौंक जाती है। रोजर उसे देखकर बोलता है आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। पहले उसकी मौसी मना करती है लेकिन रोजर के किस करने के बाद वो भी भूखी शेरनी बन जाती है और दोनों पूरी रात पलंग तोड़ ठुकाई करते हैं। कुछ टाइम के बाद हम हेलन को देखते हैं जो चाय लेकर आ रही होती है, लेकिन इस बार उसे कमरे के अंदर खींचकर उसका गेम बजाने वाला कोई नहीं था। फिर वो रोजर के कमरे के अंदर आकर उसे चाय देती है। वो चाय देकर जैसे ही जा रही होती है तभी रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गेम बजाना शुरू कर देता है। अगले दिन रोजर अपनी बड़ी बहन अलीशा को देखता है जो अस्तबल में जा रही होती है। रोजर भी उसके पीछे चला जाता है और वहां जाकर देखता है अलीशा घोड़ों को साफ कर रही होती है। रोजर उस पर भी टूट पड़ता है और उसके साथ घपाघप करना स्टार्ट कर देता है। अलीशा मना करती है लेकिन बाद में वो भी पिघल जाती है और दोनों जमकर घपाघप करते हैं। रोजर को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि घर की सारी औरतें एक एक करके उससे अपना गेम बजवा रही थीं और कभी कभी वो एक साथ तीन के साथ संभोग करता था। एक दिन अलीशा के साथ घपाघप करने के बाद अलीशा रोजर से बोलती है वो प्रेग्नेंट है और रोजर की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी उन्हें पता चलता है जंग खत्म हो चुकी है और सभी लोग घर पर वापस आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं रोजर कमरे में बैठकर सोच रहा होता है, तभी वहां पर उर्सेला आ जाती है और वो रोजर को बताती है वो प्रेग्नेंट है। कुछ टाइम के बाद उसकी मौसी भी आकर उसे बोलती है वो भी प्रेग्नेंट है। रोजर सोचने लगता है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना सभी लोगों को मेरे कांड के बारे में पता चल
बदल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रोजर लाल नेल पॉलिश लेकर अलीसा के पास जाता है और अलीसा की बेडशीट पर उस लाल पॉलिश को लगा देता है और उसे बोलता है आज तुम रोनाल्ड को सेड्यूस करो और उसके साथ पलंग तोड़ घपाघप करो, जिससे रोनाल्ड को ये लाल रंग देखकर लगेगा तुम अभी तक वर्जिन हो। इसके बाद वो अपनी मौसी के पास जाता है और उनसे बोलता है तुम मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर उसकी मौसी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद वो उर्सेला के पास जाता है, लेकिन वो पहले ही किसी आदमी को पसंद करती थी और फिर इन तीनों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता रोजर ने क्या कांड किया था। फिर वो हेलेन के साथ ठुकाई करता है और कुछ दिनों के बाद वो रोजर को बताती है वो भी प्रेग्नेंट है। रोजर की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वो अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा था। वो हेलेन से कहता है जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए भी एक पति का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन हेलेन कहती है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे हर किसी ने पेला है और मैं ये मटका किसी के भी सर पर फोड़ दूंगी। इसके बाद रोजर वहां से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।